हाउ कैन यू लर्न फैक्टर फार्मूला इन इजी वे। फर्स्ट फार्मूला है हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर होगा फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर प्लस बोथ डिजिट के मल्टीपल का ट्वाइस प्लस बी स्क्वायर। सेकंड फार्मूला है हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर माइनस बोथ डिजिट के मल्टीपल का ट्वाइस प्लस सेकंड डिजिट का स्क्वायर। अगर थर्ड फार्मूला है, अगर दो डिजिट स्क्वायर के फॉर्म में हो और बीच में माइनस का साइन हो तो फर्स्ट डिजिट में फर्स्ट ब्रैकेट में होंगी पहली डिजिट प्लस दूसरी डिजिट और सेकंड ब्रैकेट में होगी फर्स्ट डिजिट माइनस सेकंड डिजिट। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। नेक्स्ट फार्मूला है ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर फर्स्ट डिजिट का क्यूब माइनस सेकेंड डिजिट का क्यूब माइनस थ्री बोथ डिजिट का प्रोडक्ट ब्रैकेट में फर्स्ट डिजिट माइनस सेकेंड डिजिट। अगर दो डिजिट क्यूब के फॉर्म में दी हुई हों और उनके बीच में प्लस का साइन हो तो फर्स्ट के ब्रैकेट में ए प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट में फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर माइनस दो डिजिट क्यूब के फॉर्म में हो और के बीच में प्लस का साइन हो तो फर्स्ट ब्रैकेट में होगा ए प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अगर दो डिजिट क्यूब के फॉर्म में हो बीच में माइनस का साइन हो तो फर्स्ट ब्रैकेट में होगा ए माइनस बी सेकेंड ब्रैकेट में फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर प्लस बोथ डिजिट का प्रोडक्ट प्लस सेकेंड डिजिट का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। और अगर फर्स्ट डिजिट प्लस सेकेंड डिजिट प्लस थर्ड डिजिट का होल स्क्वायर हो तो इक्वल टू में क्या होगा, फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर प्लस सेकेंड डिजिट का स्क्वायर प्लस थर्ड डिजिट का स्क्वायर प्लस बोथ डिजिट का प्रोडक्ट फर्स्ट एंड सेकेंड प्लस सेकेंड एंड थर्ड डिजिट का प्रोडक्ट का ट्वाइस प्लस थर्ड एंड फर्स्ट डिजिट का प्रोडक्ट का ट्वाइस। अगर फर्स्ट डिजिट का क्यूब प्लस सेकेंड डिजिट का क्यूब प्लस थर्ड डिजिट का क्यूब माइनस थ्री इंटू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड डिजिट हो तो एक ब्रैकेट में होगा ए प्लस बी प्लस सी एंड सेकेंड ब्रैकेट में होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर हमें ए प्लस बी की वैल्यू पता हो ए माइनस बी की वैल्यू पता हो और दो डिजिट का प्रोडक्ट पता हो और ए प्लस बी का वैल्यू फाइंड करनी होगी तो हम फार्मूला यूज करते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस फोर ए बी। अगर हमें ए प्लस बी की वैल्यू भी पता हो और ए बी का प्रोडक्ट पता हो तो हम ए माइनस बी की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी का फार्मूला यूज करते हैं। और अगर हमें कभी कभी कन्फ्यूज करने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, तब हम लिखते हैं कंप्लीट करने की जगह पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, या इसी को दूसरे वे में पूछ लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, तब हम लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी लिख करके फिल कर देते हैं। इस तरह इजी वे में हम फैक्टराइजेशन के फार्मूलों को लर्न कर सकते हैं। थैंक यू।